तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हम सब आई हो अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, तस्वीरें देख सकते हो, ये फ्लाई, ये बारापुल्ला फ्लाई ओवर है, उसको क्रॉस करेगी ये RRTS की लाइन। दोस्तों तस्वीरें देख सकते हो, यहाँ पर ज़्यादा स्पेस ना होने के कारण ये पिलर के ऊपर ही बायोडक्ट को कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है। दोस्तों तस्वीरें देख सकते हो, सरायकाले खां से ये लाइन आ रही है और ये जा रही है सीधी यमुना रिवर को क्रॉस करेगी दोस्तों आगे जाके, तो यानी DND फ्लाईओवर के बगल से ही गुजर रही है दोस्तों। और आगे देखने के लिए मिलेगा आप सभी को न्यू अशोक नगर RRTS का स्टेशन, जो कि मैंने पिछली बार आप लोगों को अपडेट दिया था। तो देखो किस तरीके से यहाँ पिलर के ऊपर ही बायोडक्ट को कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर नीचे रोड भी चल रही है, बहुत ही बिजी रोड है, तो इसी वजह से यहाँ पर लॉन्चर को नहीं लगा सकते थे, इसीलिए यहाँ पर पिलर के ऊपर ही बायोडक्ट को कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है। देख सकते हो फ्लोर वर्क कर दिया जा चुका है दोस्तों। देखो यहाँ पर क्रेन मशीनें भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी, और देखो यहाँ पर ये बारापुल्ला फ्लाईओवर के बीच में ये पिलर आ रहा है, पिलर के ऊपर ही बायोडक्ट को बनाया जा रहा है दोनों साइडों से। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर जोड़ा जा रहा है, आप लोग तस्वीरें देखो और ऐसे ही वीडियो देखो केपी संत के चैनल पर, जो कि केपी संत लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा दोस्तों। तरीके से कनेक्ट करेगा, तस्वीरें देख सकते हो, ये बायोडक्ट को यहाँ पर लग गया है, इसमें चार पिलर को इसने कनेक्ट भी कर दिया है। तो चलते हैं और आप लोगों को दिखाते चल के कहाँ पे सरायकाले खां RRTS का जो स्टेशन बनाया जा रहा है, और काफ़ी लंबा चौड़ा स्टेशन है दोस्तों। और उससे पहले देखो हम यहाँ से उतर रहे हैं, तो ये बारापुल्ला फ्लाई ओवर को क्रॉस कर रहा है RRTS की लाइन दोस्तों, और उसी के ऊपर यहाँ पर ना स्पेस होने की वजह से यहाँ पर पिलर के ऊपर ही बायोडक्ट को बनाने का काम किया जा रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों देखो आप लोग तस्वीरें, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लो, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों, जो कि केपी संत पर डे वीडियोस लाता रहता, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, ये पूरा सरायकाले खां स्टेशन है दोस्तों, सरायकाले खां RRTS के स्टेशन बनाया जा रहा है। यहीं पर दोस्तों ISBT बस स्टैंड भी है, और यहीं पर मेट्रो स्टेशन भी है दोस्तों, और आपको बता दूं निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन भी है। तो आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि आने वाले टाइम में यहां पर सबसे ज़्यादा गाड़ियों की मारामूरी होने वाली है, सबसे ज़्यादा जाम होने वाला है। तस्वीरें देख सकते हो, कौन कौन लेवल बिल्कुल बन चुका है इस RRTS स्टेशन का सरायकाले खां में, और देखो इसका प्लेटफॉर्म लेवल भी बन चुका है, लेकिन जो रूफ टॉप का काम किया जा रहा है, रूफ टॉप लगेगा, उसका स्ट्रक्चर लगाने का काम किया जा रहा है दोनों साइडों से। तस्वीरें देख सकते हो, यहाँ पर काफ़ी लंबा चौड़ा है, विशाल ये स्टेशन होने वाला दोस्तों भविष्य में। यहीं से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे भी गुजर रहा है, और यहीं से दोस्तों दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे भी निकल रहा है दोस्तों, और भविष्य में देखो अभी सोनीपत पानीपत भी यहीं से लाइन जाएगी RRTS की, और अलवर में तो तुम्हें पता ही है जा ही रही है, और ये किधर जाएगी पलवल के लिए दोस्तों। तो यहाँ से 3-4 लाइन जाने वाली है। तस्वीरें देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है सरायकाले खां में, RRTS स्टेशन को बनाया जा रहा है तेजी के साथ में। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर ये तीन पिलर को कनेक्ट कर दिया दोस्तों, आई गटर द्वारा लॉन्च कर दिया है, इस पर फ्लोर वर्क किया जाना है। तस्वीरें देख सकते हो, हम चलेंगे सीधे आगे के लिए, यानी कि हम गाजियाबाद के लिए मुड़ जाएंगे। तो आप लोग तस्वीरें देखो कि किस तरीके से यहाँ पर सरायकाले खां RRTS का स्टेशन बनाया जा रहा है, विशाल जिसे कहते हैं दोस्तों, आने वाले टाइम में ही वो आप लोगों को पता चलेगा। और ऐसे ही वीडियोज़ देखो केपी संत के चैनल पर दोस्तों, जो कि केपी संत लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग नीचे कॉमेंट करके बताओ कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, ऐसे ही वीडियो देखो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।